दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में सरहदी इलाके में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है, और कल जिस तरह न्यूज ब्रेक हुई, उस न्यूज ब्रेक के बाद पूरी दुनिया में उसकी प्रतिक्रिया हुई है। उस प्रतिक्रिया में तरह तरह की बातें सामने आई हैं। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मीडिया यानी पश्चिम का मीडिया खासकर, उसमें एक टोन, एक अजीब तरह का सुर उभर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया के दो बड़ी आबादी वाले मुल्कों के बीच में एक जंग जैसी स्थिति की परिकल्पना कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो भिड़ंत है, ये जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में जो झड़प है, वो हो सकता है कि युद्ध में तब्दील हो जाए। इस तरह की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। और उनका देखा देखी हमारे देश के कुछ एक अखबारों में, कुछ एक चैनलों में भी जो एक युद्ध को लेकर जो बहुत ही कैजुअल ढंग की बातें करने वाले लोग हैं, जो टेलीविजन एंकर्स हैं, जो कुछ कमेंटेटर्स हैं, वो भी इसी तरह की बात सोचते हैं या कहते हैं और खुलेआम इस तरह की अटकलों को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ या हो रहा था, उसकी खबर धीरे धीरे चैनलों के जरिए, अखबारों के जरिए हमें मिल तो रही थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अपने देश की आवाम को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ठोस ब्रीफिंग या कोई ठोस एक जानकारी ऑफिशियल लेवल पर नहीं दी जा रही थी। ये बड़ी अचरज वाली बात है। अगर देखा जाए तो जो अखबारों के जरिए जो चीज़ें आती थीं, कई बार ट्विटर पर आती थीं, कई बार सोशल मीडिया पर आती थीं, उन्हीं को लेकर शाम को टेलीविजन चैनलों में बहस होने लगती थी। तो ये जो चीज़ हुई है, जिसकी खबर कल ब्रेक हुई, वो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से जो चल रहा था, उसका ऐसा लगता है कि एक तरह से उसका रिफ्लेक्शन है या उसकी अभिव्यक्ति है। अनसुलझे जो अंतर्विरोध थे, जिन अंतर्विरोधों को, जिन विवादों को समय रहते डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया नहीं जा सका, ऐसा लगता है कि वो उभर कर सामने आ गए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं समझता हूँ कि पूरी केवल भारत और चीन के लिए नहीं, केवल भारत की आवाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खासकर साउथ एशिया या एशिया के लिए मैं कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये दोनों देश ऐसे देश हैं जो मानते हैं कि ये जो सदी है वो एशिया की होने वाली है। तो एशिया की सदी बनाने का सपना देखने वाले दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्कों के लिए ये कितनी चकित करने या कितनी परेशान करने वाली, या उनकी जो आपसी भिड़ंत है सैनिकों की सरहद पर, उससे जो चीजें सामने खुल के आ रही हैं, वो कैसे इस स्वप्न को जो एशिया को ये सदी जो है वो एशिया की बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए कितनी गहरी निराशा की बात है जो कुछ हुआ है, कि वो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को, अपने विवादों को, खासकर सरहद संबंधी विवादों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। और उसका जो एक तरह से नतीजा सामने आ रहा है कि सरहद पर झगड़े हो रहे हैं, भिड़ंत हो रहे हैं, उसमें सैनिकों की मौतें हो रही हैं। अभी जो हमारे पास सूचना है आधिकारिक तौर पे, वो ये है कि 20 सैनिकों के भारतीय सैनिकों के शहीद होने की बात आ रही है, उनके मारे जाने की बात आ रही है। इसी तरह से अमेरिकन प्रेस में, अमेरिकन जो वेबसाइट्स हैं कुछ, वो चला रही हैं कि 35 या 40 से ऊपर लोग सैनिक मारे गए हैं। लेकिन जो ग्लोबल टाइम्स है, चीन का एक बहुत प्रमुख अखबार, वो इस तरह की कोई संख्या नहीं बता रहा है। हालांकि वो ये स्वीकार कर रहा है कि जो सैनिक जो मारे गए हैं वो दोनों तरफ के मारे गए हैं। वो ये रिकग्नाइज कर रहा है कि चीन के जो सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं इस पूरी भिड़ंत में। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह की बात कही है, वो थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। ग्लोबल टाइम्स ने जो बात कही है उसमें उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं, और उन गलतफहमियों का ये नतीजा निकल रहा है। ये चीन का एक तरह से व्यू ग्लोबल टाइम्स ने दिया है, और वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारत के अभिजन को लग रहा है कि इस वक्त जो अमेरिकी
जो एक स्ट्रेटजी है आक्रामक ढंग की जो चीन के खिलाफ खासकर इस कोरोना महामारी के बाद, उसमें कुछ भी अगर होगा सरहद के आसपास तो शायद चीन भारत से अपने रिश्तों को कड़वा या उसमें कड़वाहट घोलने की कोई कोशिश नहीं करेगा, एक तो ये। दूसरा जो उनका कहना है कि ये मिसजजमेंट ये कि हो सकता है कि ये माना जाए कि चीन की जो सेना है उससे भारत की सेना की ताकत बहुत ज़्यादा हो गई है या भारत की सैन्य जो ताकत है वो काफ़ी मजबूत है। तो ये ग्लोबल टाइम्स ने कमेंट किया है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। हम जाते हैं अपने देश का जो अप्रोच है, अपने देश के हुक्मरानों का, अपने देश के मीडिया का, हम उस पर संक्षेप में बात करेंगे। अपने देश में ले देकर जो चीजें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो उनकी बैठक थी कोरोना को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर क्या हालात हैं देश में इस फेज में, तो उसमें उन्होंने जो हमारे देश के जो सैनिक सरहद पर मारे गए हैं उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी सैनिकों को, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत संतुलित ढंग से उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि भारत किसी कीमत पर संप्रभुता जो उसकी है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं कि यह शुभ संकेत है कि अमेरिका की उकसावे भरी जो बातचीत है, खासकर मीडिया में जो सामने आ रही है, या ग्लोबल टाइम्स जो चीन का है वो जिस तरह की बातें कर रहा है, उससे एक काफी अलग सोच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत सरकार की तरफ से अपनी पहली जो प्रतिक्रिया दी इस पूरे घटनाक्रम पर, जो एक ट्विटर के रूप में सामने आई, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने जो शहीद सैनिक हैं उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और पूरे उस संदेश में कहीं भी भारत और चीन के इस टकराव पर, गलवान वैली को लेकर, लद्दाख के सरहदी इलाकों को लेकर, एक दूसरे के दावे प्रतिदावे पर कोई कमेंट नहीं उन्होंने किया था। तो माना यह जा रहा है कि रक्षा मंत्री का जो ये कमेंट आया है वो जो उसमें एक संतुलन दिखाई देता है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है या होता रहा है तो फौरन पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी पूरी एक लगता है कि जैसे अग्नि वर्षा होने लगती है शब्दों की, और ऐसा लगता है कि फौरन सब कुछ तय कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। बहुत रिस्ट्रेंड, बहुत संतुलित प्रतिक्रिया आ रही है, और चीन के जो शासक हैं उन्होंने तो अपनी ओर से कुछ बोला ही नहीं है, ले देकर चीन के जो प्रवक्ता हैं उनकी जो बात ग्लोबल टाइम्स में आई है उन्होंने भी इसी तरह की एक रिस्ट्रेन या एक संतुलन कायम रखा है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इसकी व्याख्या अपनी तरफ से जरूर की है और ग्लोबल टाइम्स को आधिकारिक पत्र माना जाता है, तो ये एक पहलू उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही हैरतंगेज बात है, एक बहुत अचंभे में डालने वाली बात है कि इस वक्त भारत के साथ जो सरहदें मिली हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज की, हर जगह सरहद पर तनाव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पर पहले से बना हुआ है, चाइना से विवाद जरूर था लेकिन तनाव नहीं था, एक तरह का तनाव शैथिल्य हमेशा रहता था। अभी भी गलवान वैली में जो हालात थे 15 दिनों से, 20 दिनों से या उससे भी ज्यादा दिनों से, उसमें कमांडरों की बैठक हुई थी, दो बार बैठक हुई, दो तीन बार, और एक बार तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के बड़े पदाधिकारियों की बैठक हुई, और माना यह गया कि अब तनाव को तनाव शैथिल्य में तब्दील करके दोनों देश आगे बढ़ेंगे, दोनों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी, या चीन अगर आगे बढ़ा है तो वो पीछे चला जाएगा। लेकिन इस बीच में घटना यह घटी कि अचानक सब कुछ ऐसा लगता है कि जो बातचीत चल रही थी वो डिरेल हो गई और दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। इसमें माना यह जा रहा है कि चीनी जो सैनिक हैं वो आगे आ गए थे, जिसको पीछे हटाने के क्रम में ये सारा कन्फ्रंटेशन हुआ है। आधिकारिक तौर पे अगर जो बयान आता है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसकी व्याख्या की जाएगी, लेकिन जो मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब दोस्तों एक बड़ी बात है कि नेपाल से भी अगर आप देखें, ये भारत और पाकिस्तान की हमने बात की, नेपाल से भी हमारे जो संबंध थे उसमें काफ़ी बिगाड़ आया है, और ऐसा कभी नहीं था जिस तरह के हालात हुए हैं। गोली तक चल गई और पता चला कि जो नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने गोली चलाकर भारतीय एक नागरिक की या एक या दो की काफी जख्मी किया, मौत हो गई। तो ये हमारा कहना है कि ऐसे हालात में
जो जो ये सरहद पर तनाव है इस महामारी के दौर में, वो एक अचंभे में डालने वाली बात है कि क्या ये महामारी में ये जो एक सरहदी तनाव दिखाई दे रहा है, जो भिड़ंत दिखाई दे रही है, ये क्यों है? इसके क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरा देश महामारी से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, आवाम बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार भी अपने ढंग से कंट्रीब्यूट कर रही है, हालांकि सरकार की जो भूमिका है, सरकार के जो एक्शंस हैं, पहलकदमियां हैं, उनको लेकर हमारे समाज में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है कि जितना उसको करना चाहिए उतना वो नहीं कर पा रही है। अस्पतालों की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडिशनल जो और हो सकता था लॉकडाउन में जिसको बिल्ड करना था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये महामारी और युद्ध का जो रिश्ता है या महामारी और तनाव का जो रिश्ता है वो क्या है, ये देखने वाली बात है। इसलिए दोस्तों अमेरिकी प्रेस हो, इजरायली प्रेस हो, या यूके के ऐसे कुछ युद्धोन्मादी जो 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 वेबसाइट्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्तों कहना यह है, और मैं इसमें निजी तौर पे ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि भारतीय आवाम के बड़े हिस्से की तरफ से भी मैं कह सकता हूं, किसान, मजदूर या साधारण लोग, मिडिल क्लास लोग, सचमुच हमारे देश के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। हमारा देश जो है वो नहीं चाहता किसी भी कीमत पर कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, तकलीफ हो, तनाव हो, हिंसा हो, सरहद पर झगड़े हो। और जो भी ऊपर के झगड़े दिखाई देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हुकूमतें लड़ जाती हैं, समाज नहीं चाहता, आवाम नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि कोई भी कन्फ्रंटेशन, चाहे वो सरहदी तनाव ही कई बार युद्ध के रूप ले लेते हैं, वो छोटी जंग या बड़ी जंग या फुल स्केल जंग, लेकिन होता क्या है कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध जो है समस्याओं का किसी भी तरह समाधान नहीं है, इस बात को मैं शिद्दत के साथ रखना चाहता हूं। युद्ध समस्याओं की शुरुआत है। युद्ध जो है वो जो मसले होते हैं मुल्कों और मुल्कों के बीच में, उनको और बढ़ाता है, उनकी शुरुआत ही नहीं करता, उनको और बढ़ा देता है। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि लड़ भिड़ कर सब कुछ ठीक कर लेंगे, आर पार की हम कर लेंगे, वो दरअसल आर पार कभी नहीं आता दोस्तों। हमने करगिल में भी देखा, करगिल के समय भी यही कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आर पार की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उसका क्या निकला? आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हैं। सरहद पर कभी कुछ होता है, कभी कोई स्ट्राइक की जाती है, कभी वो कुछ करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हम महामारी के इस दौर में जब पूरी दुनिया के देश अपनी आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम छटपटा रही है, ये बड़े लोगों की बीमारी जो बड़े लोगों ने हवाई जहाजों के जरिए एक दूसरे देशों में पहुंचाई, क्योंकि अमीरों के बीच की ये कुल मिलाकर एक बीमारी थी, और ये वायरस जो है ले देकर के अब गरीबों के ऊपर आ गया है। गरीब सबसे अधिक इस वायरस के कारण मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। अपने देश में 354,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 11,000 से 11,500 लोग मर चुके हैं। ये संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये संख्या भी शायद वास्तविक नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मैं इस तरह के किसी डेटा विवाद में नहीं फंसना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों ये सच है कि इस महामारी में हम जितना अपना ध्यान लगा सकें और जैसे हम इस महामारी से अपनी आवाम को मुक्त कराने में अपनी सारी की सारी ऊर्जा लगा सकें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं दो बार कहता हूँ कि सरहदी तनाव को हर हालत में डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से ही भारत को हल करना पड़ेगा, और चीन को भी यही काम करना पड़ेगा दोस्तों। टेलीविजन चैनलों में बैठकर आराम से स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में चीख चीख कर कहना कि हम आर पार कर देंगे, हम मार काट मचा देंगे, लेकिन दोस्तों लड़ते हैं सैनिक, और सैनिक जो सामान्य घरों के होते हैं, जिन घरों पर कभी महामारी, कभी बीमारी, कभी लाचारी, कभी बेकारी हमला बोलती रहती है दोस्तों। तो ये एक केवल भारत की कहानी नहीं है, समूची दुनिया के आम देशों की कहानी है, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि जो अमीर देश हैं उनकी भी कहानी है। इसलिए युद्ध
हमेशा इसको नो किया जाना चाहिए। युद्ध की जो आशंका व्यक्त करने वाले या युद्ध को लेकर एक तरह का अजीब भाव जो दुनिया के कई मुल्कों में भारत और चीन के इस भिड़ंत को लेकर जो सैन्य झड़प हुई है, इसको मैं सैन्य झड़प कहता हूँ, सैन्य भिड़ंत केवल कहता हूँ, उसको जो मीडिया के एक हलके में इसको युद्धोन्माद के रूप में पेश किया जा रहा है और इसको ऐसा लगता है कि इसको खींच कर एक, अब जैसे एक एक जगह मैंने अभी पढ़ा वो ये कह रहे हैं, एक विदेशी वेबसाइट कह रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। मैं समझता हूं कि ये खौफनाक विचार है। इन्हें मालूम नहीं है कि महायुद्ध क्या होते हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि वर्ल्ड वार क्या होती है। इसलिए दोस्तों, जो लोग वार, वर्ल्ड वार, युद्ध, महायुद्ध की बात कर रहे हैं, चाहे अपने देश के मीडिया के लोग हों या बाहर के लोग हों, वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारी मनुष्यता के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरी विश्व शांति के लिए, पूरे दुनिया की आवाम के लिए वो एक शत्रुता की जमीन तैयार कर रहे हैं। मैं आप सब से, अपनी सरकार से, अपने समाज से, अपनी आवाम से और एक पत्रकार और एक नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो जो सैन्य झड़प हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद बेहद निराशाजनक है, इसको हर हालत में, इसको डिप्लोमेटिक तरीके से, इसके खात्मे का, इसके समाधान का, सरहदी विवाद को हल करने का प्रयास पर जोर देना चाहिए मीडिया को, समाज को और तमाम लोगों को। इसे किसी भी कीमत पर युद्ध की शक्ल कल्पना में भी न दें। असलियत की बात छोड़िए, अपनी कल्पनाओं में भी युद्ध का नाम न लीजिए, क्योंकि युद्ध सबसे बुरी चीज है। महामारी ऑलरेडी हमारे सामने है और दोस्तों हम भूलेंगे नहीं, जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसी वक्त वर्ल्ड वार भी शुरू हो चुका था। वर्ल्ड वार पहले शुरू हो चुका था 1914 में, 18 में खत्म हुआ और 18 और 19 में वो इन्फ्लुएंजा पूरे दुनिया को तबाह कर रहा था। तो युद्ध और इन्फ्लुएंजा, यानी युद्ध और महामारी का एक अजीब खौफनाक रिश्ता पूरी दुनिया ने देखा है। प्लीज आप इस तरह की बात आज के दौर में मत कीजिए। ये दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्कों का मामला है। ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जो विकास की नई मंजिलें आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इनको अपने विकास पर काम करने दीजिए, अपने आवाम को खुशहाल बनाने पर काम करने दीजिए। इस तरह की बातों को आप मत आगे बढ़ाइए जो तनाव को कम करने के बजाय बढ़ाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं रिपीट करता हूं कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है, युद्ध समस्याओं की शुरुआत और उनको उलझाने का नाम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।